हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से समाजकारी में व्यक्तिगत कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं बातचीत करने वाला हूं। समाजकारी के अंतर्गत आप सभी लोगों को पता है कि समाजकारी में बेसिकली दो प्रणालियाँ आती हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोग एक प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क। इन्हीं में आज पर बात करने वाला हूँ प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत केस वर्क से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाजकारी के संबंध में UGC नेट, साथ ही साथ MP सेट सोशोलॉजी, जिनका एग्ज़ाम बेसिकली इस बार MP सेट में MSW वाले स्टूडेंट को प्राथमिकता दी गई है, और MSW वाले स्टूडेंट परंतु यहाँ पे पढ़ के जाएंगे सोशोलॉजी के बारे में, यानी समाजशास्त्र के बारे में, और साथ ही साथ मैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की भी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये क्लासेस पेड है। क्लासेस का जो समय निर्धारित किया गया है, मॉर्निंग में एक क्लास आपकी चलती है 9 to 10 AM चलती है क्लासेस, और ये क्लासेस बेसिकली DSSB, MP सेट और MPPSC सोशोलॉजी पर टोटली बेस्ड है। आज मैंने आप सभी लोगों से कुछ विद्वानों के बारे में मैंने बात किया, जैसे हाइबरमास का नाम पर अगर हम लोगों ने चर्चा किया, गिडेंस के बारे में चर्चा आज की क्लास में ही किया हम लोगों ने, ठीक है। इसी तरीके से जो है जे दरिदा के बारे में, यानी जैक दरिदा के बारे में भी हम लोगों ने बात किया। तो ये आज की मॉर्निंग क्लास में थी, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास आज की हुई है, क्योंकि मैं आप लोगों को शाम को भी क्लास जो है CG का करवा रहा हूँ। CG मतलब छत्तीसगढ़ सेट का पेपर मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लगभग कुछ क्वेश्चनों पर बातचीत कर चुका हूँ, और आज जो है इसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूँ UGC नेट के बारे में, UGC नेट सोशल वर्क की। UGC नेट सोशल वर्क की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए 4000 फीस रखी गई है वन टाइम पेमेंट में, और ये क्लासेस आपको दिसंबर तक दी जाएगी, ठीक है। दिसंबर तक आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी। यदि आप जैसे कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त या सितंबर में, किसी एक डेट पर निर्धारित होगा, जो बच्चे जून का फॉर्म भरे थे, 18 जून का जो पेपर हुआ था, वो पेपर कैंसिल हो गया, तो वो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी भी उनकी क्लास चलती है, स्टार्ट हो चुकी है उनकी भी, तो बेसिकली वो बच्चे यहाँ पर भी तैयारी करेंगे। उनकी 4000 फीस में यहाँ पर वो चीज़ें बेसिकली फ्री रहेगी उन सब के लिए जो नए बच्चे होंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि जून वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे जो जून की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बाद में इसकी फीस जो है कम हो जाएगी तो फिर मैं वहाँ पे क्लास, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये जो क्लास है वो आप लोगों की यहाँ पर हो चुकी होंगी। तब तक Unit 1, Unit 2, मैं Unit 2 पर बात कर रहा हूँ इस समय, UGC नेट समाजकारी की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। Unit 2 समाजशास्त्रीय अवधारणा पर हमारी बातचीत चल रही है शाम की क्लास में, 7 to 8 वाली क्लास में, ठीक है। तो वो आगे चला जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि भाई लगभग लोग मान चलिए कि 10 अगस्त से पहले पहले आपका Unit 2 को समाप्त कर देना है। UGC नेट का Unit 2 आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में प्रैक्टिस भी रहेगी, यूनिट वाइज प्रैक्टिस है आप लोगों की, और प्रैक्टिस के साथ साथ PYQ भी आपका शामिल किया गया है इसमें, है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस भी देता हूँ मैं, जैसे सोशोलॉजी का प्रश्न जब भी कभी करवाता हूँ तो UGC नेट सोशल वर्क के बच्चों को वो भी क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए, मान लीजिए समाजकारी के बारे में, या DSSB के बारे में, या UGC नेट के बारे में, MP सेट के बारे में, या MPPSC के बारे में, हालांकि MPPSC का तो 4 तारीख को एग्ज़ाम है बेसिकली, है ना। तो इन सभी के इंफॉर्मेशन के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर मेरा ये भी है कि 7827550998 पर। चलिए प्रश्न करते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आंदोलन का आधार किनके विचारों पर आधारित है? थॉमस चार्ल्स मर्स का नाम आता है, और यहाँ सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क के निदेशक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड सही जवाब होगा यहाँ पर पोटर आर ली का नाम। देखिए इन प्रश्नों की व्याख्या मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में दूंगा, जहाँ पे बच्चे हम लोग शाम को क्लासेस लेते हैं लाइव, ठीक है। उनमें आप लोगों से डिस्कशन होने वाले हैं शाम के क्लासेस में, ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई, प्रथम निदेशक कौन है, वर्तमान में इस समय कौन चल रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या रोल है सोशल वर्क में, ये सभी बातें आप लोगों के लाइव क्लासेस में होंगे।
कुछ लेखक व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति का स्थान किस देश को मानते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, यही बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पर कहेगा लंदन, यूके। ठीक है, यूके। ठीक है, समाज यूनिट नंबर टोटली फर्स्ट वाला समाप्त हो चुका है, लेकिन मैंने शुरुआत में बोल दिया कि समाज कार्य के अंतर्गत एक प्राथमिक प्रणाली है और प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिक समाज कार्य आता है, उसी पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका यहां पर 4, यानी 4 से लेकर 23। नीचे दिए गए कथन और कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट को सहायता से उसका उत्तर का चयन करिए। अब आपको 4 से लेकर 23 यानी 23 तक जितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कथन और कारण पर मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, कथन और कारण वाले सवाल बच्चे जो हैं अक्सर इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। इस वीडियो में कथन और कारण वाले क्वेश्चंस मैंने ले रखा है, और ऐसे प्रश्न को अगर आपको सही करना है या एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ऐसे प्रश्नों को तो सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं 90% प्लस कह रहा हूं मैं, 90% प्लस बच्चे यहां पे तुक्का लगाते हैं। नाम मिल गया व्यक्तिगत कार्य या मिल गया समाज कार्य, समाज कार्य तो इसके आधार पे कह देते हैं परिभाषा है। ठीक है, कभी गलत वाले में तो सोचते ही नहीं कि पहला ऑप्शन गलत आ जाएगा। हाँ, जिनको तथस्थ मालूम है, जिनको फैक्ट मालूम है, वो उस प्रश्न को सीधा कह देते भैया ये गलत है। अब आजकल के ऐसे प्रश्न आए हैं भाई, साफ शब्दों में नहीं पूछता है ना कि समाज कार्य की परिभाषा वाल्टर इंड्रियास फ्रीडलैंडर ने क्या बोला है, कलर विज्ञान बोला है, सबको पता है, इस तरीके से नहीं आता है। कलर विज्ञान व्यवस्थित तरीके को घुमाकर पूछता है, अपने शब्दों में पूछता है। आजकल एनटीए इस तरीके का हो गया अभी तो। आप सभी लोग ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, इनकी डीप नॉलेज मैं लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर भी इस प्रश्न को देखने का प्रयास करें आप लोग। 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप सभी लोगों को यहाँ पर जवाब क्या होना चाहिए, क्या 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? गलत जवाब है ना भाई, 19वीं सदी की बात आती है ना, पहला ही गलत आ गया। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे ऑप्शन ए सही होना चाहिए, ये गलत है। वर्तमान समय में व्यक्तिगत समाज कार्य एवं व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन पर बल दिया गया है। वर्तमान समय, आज के समय में क्या आप बताइए, व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर बल दिया जा रहा है, लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो समाज कार्य विश्वविद्यालय का स्थापना 1936 भारत में हुई, व्यवसाय समाज कार्य के रूप में उभर के आया 1936, यानी 19 शताब्दी आती, 19वीं शताब्दी आती है वो। अब प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अदर भी कंट्री हो सकता है, तो अदर कंट्रीज के अगर बारे में सोच रहे हो तो 19वीं सदी से पहले ही सोचो ना। पता 1869 की बात करेंगे तो यूके का नाम, 1877 की बात करेंगे तो यूएसए का नाम है ना, इस तरीके की चीज़ आ जाती है। अतः आप सभी कहेंगे कि पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब आगामी जितने भी प्रश्न मिलेंगे सुन लीजिए एक बार, ऑप्शन ए अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि ए आर दोनों सही बता रहे हैं आप ए वाले ऑप्शन में, और ए आर सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आप कहेंगे। यदि आप बी बोलोगे तो इसका मतलब होगा कि ए आर दोनों सही है, मतलब ए वाला भी सही है आर भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करेगा। तीसरा अगर आप बोलेंगे सी तो इसका मतलब पहले वाले को आपने सही मान लिया, दूसरे वाले को आपने गलत मान लिया, जो कि इस ऑप्शन का सही जवाब बेसिकली सी है। और अगर आप चौथा बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे तो डी हो गया, सी वाले का मतलब यही था कि ए सही है आर गलत है, यहाँ पे तो ए वाला गलत हो गया ना, ये तो गलत है यहाँ पे ना, और यहाँ पर बेसिकली जो आर है ये आपका सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच जाएगा कि ए सही है आर गलत है सी का मतलब। डी का मतलब बन जाएगा कि ए गलत हो गया है और आर सही हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हेलन क्लार्क के बारे में व्यक्तिगत समाज कार्य के विकास में 5 चरण बताए गए हैं। ठीक है, 5 चरण बताए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये स्टेटमेंट आप करेक्ट कर लीजिए। फिर कहता है कि समाज कार्य में आगे कि क्लार्क ने यह प्रथम चरण विश्व युद्ध के दौरान दिया था, है ना, क्या कहता है ये, विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, और ये कि गलत है, प्रथम विश्व युद्ध तो गलत है, अतः आप क्वेश्चन नंबर यहां पर करिए ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन को देखिए जरा, ए सही है आर गलत है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही गया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6, निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशा है,
बाहरी दशा है निर्धनता का कार्य, यहाँ पर तो यहाँ पर बेसिकली गलत है। निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशा, क्या आंतरिक दशा नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। फिर चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और सेटलमेंट आंदोलन में भाग लेने वाले समाज सुधारक आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, यानी ये सही हो गया। यानी ए आपका सही है और आर आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्या मैं चल रहा है यहाँ पे भाई? आर देखो क्वेश्चन नंबर ए आपका यहाँ पे बाहरी दशा मैंने बताया था, यहाँ पे गलत, यानी आर आप ए आपका गलत हो गया, ए आपका सही हो गया। ए आपका गलत हो गया, आर आपका सही हो गया। यहाँ पे ये सवाल है, निर्धनता का मुख्य कारण बाहरी दशा है तो ये जरूरी नहीं भाई आंतरिक दशा भी होती है, इसलिए आप यहाँ पे गलत कर दीजिए। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सेटलमेंट आंदोलन में भाग लेने वाले समाज सुधार आर्थिक क्षेत्रों पर प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आर है वो आपका सही होगा। तो यानी छठे का ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ए गलत है आर सही है, ए गलत है आर सही है, यानी ऑप्शन डी। तो छठे का ऑप्शन डी हो गया, छठे का ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 16वीं और 17वीं शताब्दी में बेसेंट डी पॉल की सहायता शुरुआत की थी, ठीक है, बेसेंट डी पॉल ने शुरुआत की थी, तो आप क्या कहोगे भाई? ए सही हो गए, सही है, ये बात सत्य है। मैरी रिचमंड ने व्यक्तिगत सेवा कार्य में सोशल डायग्नोसिस सही तरीके से परिभाषित किया, यानी आर भी सही हो गया, परंतु व्याख्या नहीं है, परंतु व्याख्या नहीं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं शताब्दी में ओजानम ने व्यक्तिगत समाज कार्य की शुरुआत की थी, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप क्या कहोगे? सही बात है, शुरुआत की थी, ओजानम एक विद्वान का नाम है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 में आपका कारण मिलता है, व्यक्तिगत सेवा कार्य शब्द का पहली बार प्रयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क रिपोर्ट में की गई थी, बिल्कुल सही बात है, व्याख्या नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। कैसे ये व्याख्या नहीं है, कैसे व्याख्या होगी, मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा लाइव क्लासेस में, ठीक है, जो शाम की क्लास चलने वाली है, तो जो बच्चे पेड है निश्चिंत रहें, ये सारी चीज़ें कवर करी जाएगी उनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? बी ऑप्शन सही हो गया, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में, ठीक है, 9 क्या कह रहा है कि वर्ष 1901 में मैरी रिचमंड ने परिवार प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय शक्तियों में पड़ने वाले प्रभाव का एक चार्ट बनाया था, तो मैं आप लोगों से कहूँगा बिल्कुल बात सही है, चार्ट बनाया था, सही बात है, ये स्टेटमेंट फैक्ट पर है। इसी चार्ट के माध्यम से शारीरिक क्षमता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और उसका वर्णन किया, ये भी किया गया था, तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आप लोगों को ना बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तभी जाके ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से, कथन और कारण वाले में। मैरी रिचमंड के द्वारा एक पुस्तक आई थी सन 1917 में सोशल डायग्नोसिस नाम की, बात सही है, यानी सत्य कर दो। फिर कहता है इसी पुस्तक में इन्होंने पहली बार व्यक्तिगत समाज कार्य के सिद्धांत और प्रणालियों का प्रतिपादन भी किया था, बिल्कुल बात सही है और व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला सही चला जाएगा। 1918 में स्मिथ कॉलेज में साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स को प्रशिक्षित किया गया था, ये भी बात सही है आपकी। अगर मैं आपसे बात करूं तो 11 में ये स्टेटमेंट आपका क्या चला जाएगा? सत्य है। या प्रशिक्षण फ्रायड के द्वारा किया गया था, गलत जवाब, अब यहाँ पर ही गलत हो गया। तो यानी ए आपका सही है, आर आपका गलत है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, यानी थर्ड में, यानी सी वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का प्रश्न जब मैं भी बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा एक नई विचारधारा मनोविश्लेषण का प्रयोग व्यक्तिगत समाज कार्य में किया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में, आप बिल्कुल बात कहेंगे यहाँ पर, ये स्टेटमेंट सही है। इस सिद्धांत में सामाजिक पर्यावरण के अशोधन के रूप में व्यवहार करने जो है व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार किया गया, नहीं, गलत जवाब है, ये गलत जवाब है आपका, 12 का सी बन जाएगा, ठीक है। संवेगात्मक समस्याओं के समाधान में कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यावसायिक संबंधों का योगदान महत्व रखता है, 13 में आपको क्या जवाब देना है, ये बात सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपना जो है आंतरिक और बाह्य जीवन होता है और यह एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, संबंध रखते हैं, बिल्कुल बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, इसलिए 13 का आपका बी हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का संवेगात्मक समस्याओं के उपचार के लिए उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक नहीं है, यहां आपका ये गलत हो गया। सभी मानव व्यवहार जो है आध्यात्मिक ना होकर संवेगात्मक दृष्टि से प्रेरित होता है, जिसे संवेगात्मक दृष्टि का प्रतीक होता है, यानी ये स्टेटमेंट सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी चला गया। क्वेश्चन नंबर 15 में, समाज कार्य सहायता का कार्य है, इसका उद्देश्य व्यक्ति की समस्या का समाधान करना होता है, बिल्कुल बात सत्य है।
और यह कथन बेसिकली स्टुप के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, ये भी बात आपकी सत्य है, यानी इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि 15 वाले का ए लगाइए क्योंकि इसकी व्याख्या भी है। पार्लियामेंट के अनुसार सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए मानव कल्याण और संस्थाएं, इसी परिभाषा में आप देखेंगे 4P शामिल है, इसलिए ये स्टेटमेंट शामिल है, सत्य है। और यही देखिए, 4 अंगों का उल्लेख अपनी परिभाषा में किया है, बिल्कुल बात सत्य है, यहाँ पर व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये समाज कार्य के बारे में है, ये सभी आप लोग करेंगे जब आप सभी लोगों को पता होगा तो, क्योंकि समाज कार्य में मैं भी जितनी भी क्लासेस अभी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है यूनिट नंबर फर्स्ट में, टोटली बेसिक यानी जीरो लेवल से आप लोगों को क्लासेस स्टार्ट किया है। ठीक है, आप आसानी से उन चीज़ों को सीख सकते हैं। UGC नेट की क्लासेस की जो फीस है वो 4000 है। क्लास का जो समय रखा गया है शाम को रखा गया है, 7 to 8 PM क्लास चलती है, पर डे क्लास चलती है। क्लास समाप्त होने के बाद उसकी PDF और वीडियो का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है, एक साथ यूनिट के रूप में प्लेलिस्ट के रूप में आपको जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है। वहीं MP सेट का एग्ज़ाम बेसिकली 15 दिसंबर को है, और 15 दिसंबर के इनका एग्ज़ाम बेसिकली, इनका भी सिलेबस के आधार पर चल रहा है, यूनिट नंबर फर्स्ट पर हम बातचीत कर रहे हैं MP सेट की। इनकी फीस जो है मात्र 3000 रखी गई है। ठीक है, और DSSSB की जो फीस रखी गई है वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, वो 1999 रुपये में आप लोगों की क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8506031308 पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर और कॉलिंग पर भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को और क्वेश्चनों पर बातचीत करूंगा। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी आपसे बात किए हैं, आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।